गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था सेलों का आवेशन और अनावेशन। ये हमने शुरू किया था, ये मैंने बता दिया था कि आवेशन और अनावेशन क्या होता है। आवेशन का मतलब हम किसी भी सेल को या किसी भी बैटरी को या मोबाइल अपन चार्ज करते हैं तो उस कंडीशन में हम सेल पर कार्य कर रहे होते हैं, उसको आवेशित कर रहे होते हैं। और दूसरा है अनावेशन, जब सेल द्वारा कार्य होता है, सेल आवेश हो चुका, आवेशित हो चुका, अब वह वर्क कर रहा है तो उसको बोलते हैं अपन निरावेशन। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक बैटरी ले रखी है, ये इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है और धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, मतलब यहाँ प्लस सिरे से निकल रही है। इसका मतलब ये जो बैटरी है वो या ये जो सेल है इसके द्वारा कार्य हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है वो धन सिरे से जुड़ा हुआ है, इसका विभव सबसे ज़्यादा होगा, बी का उससे कम और सी का सबसे कम होता है, क्योंकि जो धारा का प्रवाह है यह इस दिशा में हो रहा है, कम विभव से अधिक विभव की ओर। तो हम ए व सी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, ए व सी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, तो वी ए माइनस वी सी, ठीक है। विभव में अंतर, ए बिंदु पर विभव वी ए, सी बिंदु पर विभव वी सी, और अंतर लेंगे तो वी ए माइनस वी सी। अब बीच में जो बी बिंदु है हम क्या करेंगे, इसमें वी बी को एक बार घटा देंगे और एक बार जोड़ देंगे, ठीक है। जब घटाया और जोड़ा क्यों, क्योंकि हमें ए और सी के मध्य में कोई बिंदु बी लेना है, इसलिए हमने इसको वीपी को जोड़ा और घटाया, जिससे पूरी इक्वेशन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये जो अंतर है वी ए माइनस वी बी, ये तो आ गया किसके मध्य, यहाँ देखिए वी ए माइनस वी बी, ये तो सेल के मध्य विभवांतर आ गया, ठीक है, जिसका मान क्या है ई। ए व बी के मध्य जो विभवांतर है वो बन क्या है, ई है, और बी और सी के मध्य जो विभवांतर है वो होगा आई आर, धारा गुणा प्रतिरोध, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए वी ए माइनस वी बी, एक तो ये विभवांतर आ गया, दूसरा बी और सी बिंदु के मध्य, तो यहाँ पर विभवांतर, यहाँ देखिए इसमें से माइनस अपन ने बाहर ले लिया और यहाँ हमने कर दिया वी सी माइनस वी बी, क्योंकि माइनस चिन्ह को कॉमन लेंगे, इसको खोलेंगे तो वापस यही आ जाएगा, ठीक है। तो वी सी माइनस वी पी, वी सी माइनस वी पी का मान क्या आएगा, आई आर, विभवांतर है ना सी और बी बिंदु के मध्य। तो ये वी बराबर ई माइनस आई आर, ये कब होगा, जब सेल निरावेशित हो रहा है, अर्थात सेल पूरा चार्ज हो चुका है और उसे हम काम में ले रहे हैं, सेल द्वारा कार्य हो रहा है, उस कंडीशन में ये इक्वेशन आनी है, ठीक है। ये अपन ने इक्वेशन ही पढ़ी भी थी। अब यहाँ देखिए एरो का निशान कहाँ है, इस ओर है, प्लस सीने की ओर है, ठीक है। तो जो करंट है, जो धारा है, वो विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। मैंने उस समय भी आपको बताया था, कल वाले लेक्चर में बताया था कि धारा आई जो है वो जब सेल को आवेशन करते हैं, अर्थात हम चार्जर में लगाते हैं, चार्ज करने के लिए उसको रखते हैं, तब धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। और हमने वहाँ पर आई की जगह हमने माइनस आई भी लिखा था ना। तो सेम प्रक्रिया जो हमने यहाँ पे की है वो सेम प्रक्रिया अपन यहाँ भी कर सकते हैं, बीच में कोई बिंदु यहाँ भी ले सकता है। तो वी ए माइनस वी बी मध्य क्या आ गया, एप्सिलॉन नहीं सॉरी ई आ गया, जो विद्युत वाहक बल है, और बी और सी के मध्य जो भी विभवांतर वो कितना जाएगा, स्मॉल आर आई, ठीक है। तो सेम प्रक्रिया अपन इसमें करेंगे, वी ए माइनस वी सी, बी को जोड़ा बी को घटाया तो कोई परिवर्तन नहीं है, बीच में बी बिंदु लेना है, क्योंकि अपन आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर भी विभवांतर और सेल के सिरों पर भी विभवांतर अलग अलग ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं ई, ए और बी के मध्य विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर है, ई के बराबर है, और बी और सी के मध्य जो विभवांतर है वो आई आर के बराबर है। तो यहाँ जो धारा है वो
ऋणात्मक धारा होगी, इसलिए हमने जो यहाँ पढ़ा था, देखो इस आई की जगह अपन माइनस आई लिखेंगे, तो माइनस आई लिखेंगे तो ये वाला माइनस और माइनस आई वाला जो माइनस है दोनों प्लस बन जाएंगे, तो ये ओमेगा ई प्लस आई आर, तो ये दोनों इक्वेशन आप ध्यान रखोगे कि कौन सी कब आएगी। तो जब सेल को हम आवेशित करते हैं उस कंडीशन में जो टर्मिनल होता है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगी, ठीक है, स्पष्ट है। सेल अनावेशन की प्रक्रिया में सेल की टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है, ठीक है, इस कंडीशन इसका जो मान है वो विद्युत वाहक बल से कम होता है, घट रही है ना कोई राशि, घट रही है तो इसका मान कम होगा। और इसमें देखो विद्युत वाहक बल में कुछ जुड़ रहा है और जुड़ने के बाद में टर्मिनल वोल्टता प्राप्त हो रही है, तो टर्मिनल वोल्टता का मान ज्यादा होगा, विद्युत वाहक बल का मान कम होगा, कब, जब हम इसे आवेशित करते हैं। जबकि सेल आवेशन की प्रक्रिया में सेल की टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से अधिक होता है, ये बात समझ में आ गई, ये कई बार इक्वेशन में पूछा जाता है, ये छोटा सा प्रश्न है। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति, ये टॉपिक भी पहले आ चुका, विद्युत ऊर्जा अपन पढ़ चुके अपन, और हम इसमें जो विद्युत ऊर्जा पढ़ेंगे क्योंकि अपन जानते हैं विद्युत ऊर्जा अगर क्षमता है तो इसमें बल आएगी, इसमें वोल्ट आएगी, ठीक है, और ऊर्जा वही जो कार्य किया जाएगा वही कार्य ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होगा, वही ऊर्जा यहाँ आएगी, ठीक है। तो जब भी कहीं भी ऊर्जा का नाम आता है तो वहां कार्य जरूर आएगा, बात समझ में आ गई। पहला जो हेडिंग है हमारा विद्युत ऊर्जा, शक्ति अगर पढ़ेंगे तो शक्ति तो हमें पता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन की दर विद्युत शक्ति कहलाती है, सिंपल अपन ने कार्य पढ़ा था, ठीक है ना, सिंपल कार्य में कोई भी कार्य हो सकता था, जैसे बॉक्स को खिसकाना, बॉक्स को उठाना, ये सिंपल कार्य है, यांत्रिक कार्य जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर विद्युत कार्य हो रहा है, किसी आवेशित वस्तु को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो वो जो मतलब आवेश का शब्द था, आवेश शब्द जहाँ भी आ जाएगा वहाँ विद्युत शब्द जुड़ेगा, क्योंकि आवेश अगर गतिशील है तो निश्चित रूप से धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित अगर हो रही है तो वहाँ विद्युत शब्द का नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ जो अपन कार्य करेंगे वो किसी भी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करेंगे, और वही जो कार्य है वो ऊर्जा कहलाएंगे, विद्युत ऊर्जा कहलाएंगे, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन की जो दर है वो क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है, शक्ति बराबर होता है ना पी बराबर डब्ल्यू बटा टी, ठीक है। तो अपन परिभाषा देखते हैं विद्युत ऊर्जा की, निश्चित समय अंतराल में किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य, दोबारा देखें, निश्चित समय अंतराल में किसी विद्युत परिपथ में, क्योंकि यहाँ विद्युत शब्द आया है तो परिभाषा में आवेश और विद्युत तो आएगा, तो विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए, और धारा प्रवाह कब होगी, जब आवेश गतिशील होगा, आवेश गतिशील होगा तभी धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाह के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य। अब सेल आवेश को गति कौन करवाएगा, सेल तो करवाएगा, सेल के द्वारा ही तो आवेश ऊर्जा लेकर परिपथ में घूमेगा, ठीक है ना। तो सेल की जो रासायनिक ऊर्जा है वही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो सेल द्वारा किया गया कार्य परिपथ की विद्युत ऊर्जा कहलाती है। यदि V विभवांतर पर धारा आई स्मॉल t समय तक प्रवाहित की जाए तो किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के तुल्य होगा, ठीक है। अब कार्य की डेफिनेशन अपन जानते हैं, विद्युत ऊर्जा W बराबर ये क्या है V विभवांतर, और यहाँ Q, V गुणा Q, हम पढ़ चुके विभवांतर की परिभाषा, विभवांतर बराबर था कार्य बटे आवेश,
कार्य बराबर विद्वान पर गुणा आवेश है ना। तो इसके ऊपर हम एक सूत्र भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू बराबर वी गुणा क्यू, और क्यू की जगह क्या जाएगा आई गुणा टी। क्यू बराबर होता है ना, ये पीछे भी सूत्र आया था, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, तो आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय। तो आवेश की जगह यहाँ पर हमने आई गुणा टी लिख दिया। अब यहाँ पर v को भी चेंज करना है। v क्या है, v बराबर क्या होता है आई आर होता है ना, उनका नियम। तो यहाँ v बराबर हम लिख देंगे आई गुणा आर, और आई इन यह लिया, ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी। w बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये जो कार्य निकला, ये जो विद्युत ऊर्जा निकली, क्योंकि कार्य ही विद्युत ऊर्जा बनती है, तो उसका जो सूत्र है यहाँ पर वो आई और आर के रूप में है। इसके रूप में आई और आर के रूप में सूत्र में देखिए हमारे पास में तीन चीजें हैं, धारा, विभवांतर और प्रतिरोध, आर, वी और आई। ठीक है, इन तीनों में से किन्हीं दो पदों के लिए हमें सूत्र ज्ञात करना है। जैसे पहले समीकरण, पहले समीकरण में V और I के रूप में, दूसरे समीकरण एक है, ये विद्युत ऊर्जा का सूत्र है, किस रूप में, विभवांतर और धारा के रूप में। ठीक है, समीकरण नंबर दो किस रूप में, धारा और प्रतिरोध के रूप में। समझ में आ गया, इसमें V नहीं है, इसमें R नहीं है। ठीक है, अब ऐसा सूत्र जिसमें I नहीं हो, I को हटा दो, तो I को किससे हटाओ, I बराबर क्या होगा V बटे R, I बराबर V बटे R, उनका नियम यही है, यहाँ से R का भाग लगा दिया। तो इस I की जगह हम क्या लिख देंगे, V बटे R। तो I की जगह V बटे R लिखेंगे तो V स्क्वायर बटे R स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर I का स्क्वायर है, और R से R कट जाएगा तो आ जाएगा V स्क्वायर T बटे R, ये V और R के रूप में। तो हमारे पास में तीन सूत्र बने हैं, V और I के रूप में, I और R के रूप में, और V और R के रूप में। ठीक है, तो इन तीनों में से हम तीन, हमने तीनों रूपों को नीचे भी लिख रखे हैं, ये V और I के रूप में, ये I और R के रूप में, और V और R के रूप में। तीनों सूत्र हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल जब आता है तब विभवांतर धारा दे रखे तो अपन ये सूत्र लगा सकते हैं, धारा और प्रतिरोध दे रखा है तो ये लग जाएगा, और अगर विभवांतर और प्रतिरोध के रूप में सूत्र दे रखा है तो वो ये लगेगा। विद्युत ऊर्जा की इकाई, कार्य की इकाई वही होती है जूल, परंतु व्यवसायिक इकाई विद्युत यूनिट, इसको बोलते हैं विद्युत यूनिट, वोल्ट यूनिट, जो एक किलोवाट के तुल्य होती है। एक किलोवाट विद्युत यूनिट, विद्युत यूनिट के बारे में आपने नाम सुना होगा, जो बिजली के बिल आते हैं वो यूनिट के रूप में जाते हैं। ठीक है ना, कितने यूनिट पर कितना खर्चा हुआ, कितना खर्चा आया, तो एक किलोवाट, ये आपने टेंथ में भी ये चीजें पढ़ रखी है, ये जो बिंदु था विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति के टेंथ में भी है, अभी भी है, ग्यारहवें चौथे में है। ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़ाया, एक किलोवाट घंटा भी पढ़ाया आपने, एक किलोवाट घंटा। देखो किलोवाट को हमने वाट में चेंज किया, किलोवाट, किलोवाट घंटा, आवर होता है ना, तो किलोवाट को पहले वाट में चेंज करें तो हजार वाट आएगा, एक किलोवाट में हजार वाट होते हैं। ठीक है, तो एक किलोवाट की जगह क्या लिख दिया, एक हजार वाट, और घंटे की जगह क्या लिख दिया, सेकंड, साठ गुणा साठ, एक घंटे में साठ गुणा साठ सेकंड होंगे, क्योंकि एक घंटे में साठ मिनट, एक मिनट में फिर साठ सेकंड। ठीक है, तो यहाँ जाएगा, अब ये जो आया ये वाट और सेकंड में आ गया, इसमें आ गया वाट और सेकंड, वाट गुणा सेकंड क्या होता है जूल, शक्ति गुणा समय क्या होता है का,
की शक्ति है, ये समय है, और वो किसके बराबर होगा? आदि के बराबर, जूल के बराबर। और इसको जब अपन गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 3.6 × 10⁶, क्योंकि 6 × 6 से करेंगे 3600, ये 3600 आएंगे और 3600 पे 30 लगा दो तो ये आ जाएगा। तो 1 kWh में कितने जूल होते हैं, ये प्रश्न आता है परीक्षा में। 1 kWh में जूल लिखिए कितने होते हैं, 3.6 × 10⁶ जूल। ये अपनी दूसरी क्लास की बातें जो अपन ने पढ़ी थी, 1 kW में 10³ 3 W, 1 MW में, इसको मेगावाट बोलते हैं, MW को 10⁶ होता है। और अब है जूल के नियमानुसार कार्य एवं ऊष्मा को तुल्यता WJH, कार्य और ऊष्मा में संबंध है, इसे जूल का नियम भी कहते हैं। जूल का नियम, कार्य बराबर जूल गुणा ऊष्मा से किया जाता है। अतः ऊष्मा एच बराबर डब्लू बटा जे, ऊष्मा निकाल लेते हैं ना, कितनी ऊष्मा प्राप्त हुई, तो जे का भाग लगा दो, डब्लू बटा जे। डब्लू का मान 3 है, तीनों के रूप में अपन निकाल सकते हैं, जे का भाग लगा दो समय, तो ये तीनों के फॉर्मूले आ जाएंगे। तो ऊष्मा के लिए कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें केवल ऊर्जा पूछे, विद्युत ऊर्जा पूछे, तो अपन जे का भाग नहीं लगाएंगे, इतना ही अंतर है खाली। जे का भाग लगेगा तब ऊष्मा आएगी, और जे का भाग जब नहीं लग रहा तो कार्य या विद्युत ऊर्जा आता है। जे जूल नियतन है, जिसका मान 4.2 जूल प्रति कैलोरी होता है। जूल को कैलोरी में, कैलोरी को जूल में चेंज करना मैंने आपको 11th क्लास में भी बता रखा है, ठीक है। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति में हमने जो विद्युत ऊर्जा याद किया था, उस विद्युत ऊर्जा में आपको समय का भाग लगाना है। ये सूत्र आप जानते हैं, आपने पढ़ भी रखा है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, आप परिचित हैं इससे। और आपको कुछ नहीं करना, आपने जो विद्युत ऊर्जा का सूत्र जो लिखा था उसमें केवल आपको समय का भाग लगाना है, और समय का भाग लगा दोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, विद्युत शक्ति का सूत्र आ जाएगा। तो किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किए गए कार्य की दर को शक्ति कहते हैं, इसे हम P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समय का भाग लग रहा है तो की दर लगाते हैं ना, कार्य करने की दर। ये जो सूत्र से किस प्रकार अपन परिभाषित करते हैं किसी भी भौतिक राशि को, ये अच्छे से मेरा बताया हुआ है। समय का भाग लगता है तो अपन की दर लिखते हैं, जैसे वेग में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, ठीक है, सब में समय का भाग लग रहा है। तो ये फॉर्मूला भी बहुत बार आया हुआ है। यहाँ पर W का फॉर्मूला अपन जानते हैं, VIT होता है, I के रूप में भी होता है, I²RT होता है, V के रूप में भी होता है। तो ये अपन तीनों फॉर्मूले लगा सकते हैं। P का जो फॉर्मूला है, W की जगह हमने मान लिख दिया, VIT, T से T कट जाएगा तो क्या जाएगा, विद्युत शक्ति बराबर होता है वोल्टा गुणा V गुणा I, ठीक है। अब इसके भी वही तीन रूप, ये V और I के रूप में, इसी प्रकार आप V और R के रूप में लिख सकते हैं, I और R के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो V को हटा दो पहले, यहाँ से V को हटाओगे तो क्या जाएगा, देखो वही फॉर्मूला आ जाएंगे, यहाँ जो हमने पढ़े थे, यहाँ जो हमने केवल T हटा दो, केवल T हटा दो, यहाँ से T हटा दो, तो P बराबर क्या जाएगा, VI, P बराबर क्या जाएगा, I²R, P बराबर क्या जाएगा, V²R, ठीक है। तो P बराबर I²R और V²R, तो एक तो ये सूत्र बन गया, एक ये सूत्र बन गया, और एक बराबर तीन सूत्र हैं P के, तीन ही W के। इसी प्रकार H जो ऊष्मा, उसके तीन फॉर्मूले बनेंगे, तो ये तीनों बराबर है, तीनों के रूप में अपन लिख सकते हैं, ठीक है। यदि उपकरण परस्पर समांतर क्रम में संचित हो तो तुल्य विद्युत शक्ति, मान लो
बहुत से उपकरण जुड़े हुए हैं और वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। घरों में जो परिपथ जुड़ा होता है वो कौन से क्रम में होता है? समांतर क्रम में होता है ना। तो उसमें अगर हमें विद्युत शक्ति निकालनी है, तुल्य विद्युत शक्ति, तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे सब। तुल्य शक्ति P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू PN, अगर N उपकरण हमारे पास में जुड़े हैं। यदि विद्युत स्रोत के साथ विद्युत उपकरण परस्पर श्रेणीक्रम संयोजन में अगर है तो 1/P प्लस 1/P1 प्लस 1/P2 को श्रेणीक्रम में, तो विद्युत क्रम जोड़ना है। ये संधारित्र की तरह है, ध्यान रखना। संधारित्र में उल्टा था प्रतिरोध का, इसमें भी हो गया ठीक है। तो श्रेणी क्रम में तो विद्युत क्रम करके आप जोड़ना है, और जब समांतर क्रम में लगा रहे हैं तब आपको सीधे सीधे जोड़ना है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट, ये डब्ल्यू बोकारी वाला डब्ल्यू नहीं है, वाट ठीक है। अन्य इकाई किलो वाट, मेगा वाट, हॉर्स पावर। अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। तो ये अन्य मात्रक हैं इसके, और ये विद्युत शक्ति का कंप्लीट हो गया। तो आपका चैप्टर 5वां लेसन कंप्लीट हो गया। ये न्यूमेरिकल अपन कर लेते हैं, और चैप्टर का जो रिवीजन है वो आप करते जाएं साथ साथ में, और नोट्स जो हैं वो भी आप लिखते रहें, और कोई जो PDF है, जो PDF आपसे नहीं खुल रही वो PDF मुझे आप बताओगे, क्योंकि तो सभी PDF की फ़ोटो भेजनी मुश्किल है, संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो स्लाइड है वो बहुत ज़्यादा बनी हुई रहती है। इसलिए जिन जिन PDF को आप नहीं खोल पा रहे हैं वो आप मुझे बताएं, मैं उनकी फ़ोटो आपको भेज दूँगी, क्योंकि मेरे पास ये बात आई है कि PDF नहीं खुल रही, कुछ PDF नहीं खुल रही ठीक है ना। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें 12 न्यूमेरिकल है टोटल। तो अपन शुरू करते हैं। फॉर्मूले अगर आपको याद है तब सीधे सीधे न्यूमेरिकल है जो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो एक न्यूमेरिकल आता है वो आता है तुल्य प्रतिरोध का, जैसा कि अपन ने संधारित्र में पढ़ा था तुल्य संधारित्र ज्ञात करना, उसी प्रकार तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। तो तुल्य प्रतिरोध में आप एक ही बात ध्यान रखोगे कि एक सिरे से आपको चलना है, और आप ये मानकर चलो कि वहां से धारा नहीं चल रही, वहां से कुछ व्यक्ति चल रहे हैं ठीक है। और जैसे ही दो रास्ते हो जाते हैं तो जो व्यक्ति पहले रास्ते पर गया वो दूसरे पर कभी नहीं जाएगा, आएगा ही नहीं उस पर, वो सीधा एंड पॉइंट पर पहुंचेगा ठीक है ना। तो एक ही रास्ते पर मान लो आगे जाके एक ही रास्ते है पे चल रहा है, तो उनमें सारे जितने भी रुकावटें वो सारे जुड़ जाएंगे ठीक है ना। तो ये आप अगर ध्यान में रखते हुए करोगे तो बहुत ही आसान रहेगा करना, और आप तुल्य प्रतिरोध निकाल पाओगे। तुल्य प्रतिरोध के कुछ न्यूमेरिकल 10th की बुक में भी है, तो उनको भी आप कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, एक बेलनाकार धातु तांबे की है कि छड़ की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, यूनिट चेंज करना मत भूलना, जब भी आप न्यूमेरिकल करो मात्रक को जरूर ध्यान में रखें, और मात्रक को चेंज करना है मीटर में ठीक है। आपको MKS पद्धति ही रखनी है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर है लंबाई दे रखी है छड़ की, तो यहाँ L बराबर 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को अपन ने किस में चेंज कर लिया, मीटर ठीक है। त्रिज्या 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर का मतलब इसको भी आप मीटर में बदलोगे, तो किससे गुणा करोगे, 10^-3 से। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अपनी क्लास में चर्चा भी हुई थी इस बात पर कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10^-2 से गुणा करोगे, और मिलीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10^-3 से गुणा करोगे। ये आप ध्यान रखना। क्यों करना है? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं।
इसलिए अपन 10 की घात माइनस 2 से और 10 की घात माइनस 3 से गुणा करते हैं। छड़ के सिरों पर 120 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर छड़ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। V का मान कितना है? 120 वोल्ट। तांबे की प्रतिरोधकता दे रखी है, तांबे की प्रतिरोधकता रो, ये है 1.7 गुना 10 की घात माइनस 8 ओम इंटू मीटर। पूछा क्या है? धारा का मान ज्ञात करना है। तो धारा में प्रतिरोधकता में सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना, हमें पहले प्रतिरोध वाले फॉर्मूले से या प्रतिरोधकता वाले फॉर्मूले से हमें प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें V दे रखा है। V बराबर क्या होता है? आई आर होता है ना। तो R अगर हमें पता चल जाए, V तो पता है, R अगर पता चल जाए तो हम I ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर R का मान किससे निकालेंगे? प्रतिरोधकता से। तो R बराबर रोएल अपॉन A होता है, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, ओम का नहीं पढ़ा था। प्रतिरोधकता प्रतिरोध जो है वो किस बात पर निर्भर करते हैं? लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के विद्युत अनुपाती होते हैं, ये अपन ने पढ़ा था। त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। बेलनाकार है ना, बेलनाकार, तो बेलनाकार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वृत्ताकार होता है, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रो का मान रख दिया, एल का मान रख दिया, पाई का मान 1.34 और यहाँ पर आर का मान रख दिया, ये सबके मान रख दिए। कैलकुलेशन करेंगे तो आर निकल गया हमारे पास में 1.35 गुना 10 की घात माइनस 5 ओम। ठीक है, अब हमें वी दे रखा है 120, तो हम आई निकाल सकते हैं। आई बराबर क्या होता है? वी बटे आर। वी का मान 120 है, आर का मान हमने यहाँ से निकाला है, इस 10 की घात 5 को ऊपर ले जाओ और यह आ जाएगा 88.89 गुणा 10 की घात 5 एम्पियर। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, 8.889 या 8.9 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, वैज्ञानिक पद्धति में आप इसको चेंज कर सकते हैं, 10 की घात 5 भी चेंज हो जाएगी। समझ आ रहा है? नहीं, ये वाला न्यूमेरिकल मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे ऐसे जो न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें प्रतिरोध जुड़े हुए बहुत सारे और उनमें हमें दो बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। यहाँ पर वो जो दो बिंदु है वो ए और बी है, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हम चलेंगे कहाँ से? ए से, ए से चलेंगे। ठीक है, और सबसे किनारे से चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पहुंचना कहाँ पर है? बी पर पहुंचना। सभी प्रतिरोधों में से होते हुए हमें कहाँ पहुंचना है? बी पर पहुंचना है। ठीक है, तो पहले अपन ए से स्टार्ट करते हैं। ए से देखो कितने रास्ते निकल रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 पांच रास्ते निकल रहे हैं। पांच में से जो पांचवा रास्ता है तो डायरेक्ट बी पर पहुंच रहा है, इसको तो लास्ट में लेंगे। इससे ऊपर वाला चौथा है वो यहाँ से लेगा, फिर यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ बी पर पहुंचेगा, तो उसको भी लास्ट में लेंगे। यहाँ से होएगा वो इसमें से आ जाएगा, इधर से जो जाएगा वो इधर से आएगा। ठीक, तो हम सबसे पहले रास्ते वाला हल करेंगे। जो धारा इसमें से जाएगी इस प्रतिरोध में से, वो इसमें से भी जाएगी, जाएगी ना, वो कोई रास्ता नहीं है, वो कोई मार्ग नहीं है। ठीक है, हम दूसरे रास्ते का चयन हमने सबसे पहले क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ से जो धारा गई उसके लिए दो रास्ते हैं, वो इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने इस रास्ते का चयन नहीं किया। तो सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे तीनों, फिर यहाँ कोई और मार्ग नहीं, वो इधर ही जाएंगी यहाँ तक। तो ये तीनों और ये तीनों कौन से क्रम है? श्रेणी क्रम है।
तो तीन और तीन को श्रेणी क्रम में जब अपन लेते हैं तो क्या बन जाएगा, तीन और तीन छः बन जाएगा, क्या बन जाएगा, छः बन जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को हटाकर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर एक छः ओम का प्रतिरोध लगा देते हैं। देखिए ये डायग्राम दे रखा है, इस जाल को हमें छोटा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रतिरोध है और ये वाला जो प्रतिरोध है, इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, छः ओम लिख सकते हैं, ठीक है, छः ओम लिख दिया। अब ये वाला भी छः ओम है और इनका भी तुल्य छः है। अब ये वाला जो छः, इनका तुल्य जो छः है वो, और ये वाला जो छः है, ये दोनों मिलकर कौन से क्रम में बनेंगे, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में छः ओम और छः ओम है, आर वन का मान छः, आर टू का मान भी छः, और दोनों किस में जुड़े हुए, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए डायग्राम, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, केवल इसको हटा दिया। देखो इन तीनों को हटा के, इन तीनों को हटा के क्या लगा दिया, एक तीनों का लगा रखा है, वो आया कैसे, वो ये अपन हल कर रहे हैं। तो इन दोनों का तो कितना जाएगा, छः ओम, ये छः ओम और ये वाला छः ओम, ये वाला दोनों कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो एक बटा छः प्लस एक बटा छः, दो बटे छः, दो बटे छः का काटेंगे तो एक बटा तीन आएगा, एक बटे तीन को पलट दो तो कितना आएगा, तीन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का और इन दोनों का श्रेणी क्रम और इनका जो भी आया वो इसके साथ समांतर हुआ, वो हल करेंगे तो कितना जाएगा, तीन। बात समझ आ गई क्या सबके। ये वाला छः और इस छः के साथ समांतर क्रम में, तो इन तीनों का कितना जाएगा, तीनों, तो यहाँ तीनों लगा दिया। बाकी ये वाला तीनों ये रहा, ये वाला तीनों ये रहा, ये वाला तीनों ये रहा, और ये नीचे वाला है, जाल छोटा हो गया। यहाँ तीन जो प्रतिरोध लगे थे, तीनों को हटा के हमने एक प्रतिरोध लगा दिया। अब पुनः हल करेंगे, चलेंगे इधर से, चलना हमें इधर से है, इधर से होते हुए फिर हमें बी तक पहुंचना है, ठीक है, जिससे सभी प्रतिरोध जुड़ जाएंगे, सभी प्रतिरोध साथ होंगे। अब यहाँ से देखिए जो धारा यहाँ जाएगी वो धारा इसमें से जाएगी, वही धारा इसमें से भी जाएगी। तो ये दोनों कौन से क्रम में हुए, श्रेणी क्रम में। अगर धारा समान है तो वह श्रेणी क्रम होगा, ठीक है, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को हमें जोड़ना है। तो तीन ओम और तीन ओम कितने हो जाएंगे, छः ओम, ये तीन और ये तीन कितने हो जाएंगे, छः ओम हो जाएंगे। और इन दोनों का जो छः है वो इस प्रतिरोध के साथ कौन से क्रम में जुड़ेंगे, समांतर क्रम में। इन दोनों का तुल्य और ये वाला, ये आपस में कैसे क्रम में होंगे, समांतर क्रम में, ठीक है। तो छः और छः जब समांतर क्रम में होंगे तो वैसे ही जोड़ना है बटे करके, तो एक बटा छः प्लस एक बटा छः, दो बटे छः, दो बटे छः एक बटा तीन आ जाएगा, और एक बटे तीन को पलट देंगे तो कितना जाएगा, तीन ओम। तो इस डायग्राम से हम इस डायग्राम में पहुंचेंगे और फिर वापस इन तीनों को हटा दिया, इन तीनों को हटा कर क्या लगा दिया, एक तीन ओम का प्रतिरोध लगा दिया। बात समझ आ गई, जैसे हमने इस त्रिभुज को हटाया और एक प्रतिरोध लगा दिया तीनों, उसी प्रकार ये तीन और ये तीन बन गए छः, और ये वाले छः और ये वाला छः समांतर क्रम में है, उनका जाएगा तीन, तो यहाँ तीन आएगा। समझ में आएगा, वही प्रक्रिया वापस कर दो, देखो तीन और तीन, यहाँ से जो दावा जाएंगे वो आगे वो कोई रास्ता नहीं, यहाँ से ही जाएगी, यहाँ पे जाएगी ना। तो ये दोनों कौन से क्रम में हुए, श्रेणी क्रम में। तो तीन और तीन छः, और इसके साथ वापस समांतर क्रम, तो फिर कितना जाएगा, इसको
पूरे त्रिभुज को हटा के कितना जोड़ दो, तीन ओम का जोड़ दो, तीन तीन ओम का जोड़ दो, छोटा हो रहा है ना धीरे धीरे, ज्यादा छोटा हो रहा है। फिर आ जाओ यहाँ पे वापस, ऐसे चलना है, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो और इस पे चलना है। बी एंड पॉइंट हमारा बी है, हमें कैसे भी करके बी तक पहुँचना है। तो ये तीन और ये तीन दोनों कितना जाएंगे, छः, ये छः आ गए और ये तीन, तीन और छः आपस में कौन से हैं, समांतर क्रम में है ना। तो एक बटा छः प्लस एक बटा तीन, सरल कर लेंगे या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू, ये समांतर क्रम का डायरेक्ट फॉर्मूला है, आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू। तो एक छः में एक तीनों में तो अठारह, नौ और एक कितना आ गया, दो। आगे समझ में, तो इस प्रकार से आप जब एक सीधे से चलना शुरू करते हैं तो वहां से आप ये देखिए कि जो भी धारा प्रवाहित हो रही है वो अगर समान है प्रतिरोध में से तो वो प्रतिरोध तो हमने शनि ग्रह है, और आगे जाके अगर कुछ रास्ते में बट जाते हैं तो वहां फिर वो समांतर में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा न्यूमेरिकल है उसको देखिए क्या बोलते हैं। बढ़िया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आने लायक है, आया हुआ भी है बोर्ड एग्जाम में। इसमें यहाँ पर अनंत प्रतिरोध दे रखे हैं, अनंत का मतलब ये जो जोड़ रखा है आर, फिर ये आर, ये आर, ये आर, यहाँ आर, फिर आर, यहाँ पे फिर आर, फिर आर, ऐसे अनंत तक जोड़ रखा है। ठीक है, तो हमें ए और बी के मध्य प्रतिरोध याद करना है, तुल्य प्रतिरोध। अब ए से चलना शुरू करेंगे, इसमें से है फिर यहाँ दो रास्ते, फिर ये जो आगे जाएगा इसके फिर दो रास्ते, ये जो आगे जा रहा है फिर इसके फिर दो आगे रास्ते, तो ये कब तक चलेंगे, पर अनंत तक चलेंगे। तो हम क्या मानेंगे कि इस अनंत जो श्रेणी है जो हमें डायग्राम दे रखा है उसका अपने तुल्य प्रतिरोध मानते हैं एक्स। तो हम ये मानते हैं कि ए में बी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो मान लो एक्स आया, क्लियर है। अब उसमें से अपन क्या, क्योंकि हमें हल तो निकालना है इसका, और निकलेगा किसका, एक्स के रूप में निकलेगा, इसका मान ही निकलेगा, वो निकलेगा किस रूप में, स्मॉल आर के रूप में। तो अब हम क्या करेंगे, इस श्रेणी में से जो इतनी श्रेणी जो मैंने लाल रेखा बना रखी है यहाँ से इस आगे वाली जो श्रेणी है, अब आगे वाली श्रेणी का जो रूप है आप ध्यान से देखें, इस आगे वाली श्रेणी का जो रूप है वो क्या आपको वही नहीं लग रहा जो आप ए में बी से चल रहे हो। देखो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आर, यहाँ आर, यहाँ आर, यहाँ आर, अनंत तक चल रहा है। जो अपन ए बी से चल रहे थे वो भी अनंत तक चल रहे थे, अनंत मतलब कोई अंत नहीं आ रही। अगर अपन यहाँ से इसको ये रेखा यहाँ बनाए अगर तभी वही बात है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर अनंत श्रेणी की कोई भी अगर हमें डायग्राम आ जाए तो उसमें हम कम से कम जटिलता लेते हुए हम आगे वाले श्रेणी का प्रतिरोध मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो रेखा बना रखी है इसके आगे वाला जो चित्र है, आगे वाला जो प्रतिरोध लगे हैं वो चाहे श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में, उनका रूप जो है वो ठीक वैसा ही है जो यहाँ से शुरू होता है। बात समझ में आ गई, यहाँ आप ए मान सकते हैं, यहाँ बी मान सकते हैं, तो वही श्रेणी बन जाएगी आगे जाके, क्योंकि अनंत तक है तो अनंत में से आगे से दो दिन अगर निकाल बने तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका, नहीं पड़ता ना। तो यहाँ पर जो इतनी राशि है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इतना जो प्रतिरोध है ये पूरा आगे तक, ठीक है, ये जो पूरा प्रतिरोध है इसको अपन तुल्य प्रतिरोध मान लेंगे एक्स, जो किसके बराबर होगा, ए व बी के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो यहाँ ये जितने भी प्रतिरोध है उन सब की जगह हम केवल एक प्रतिरोध लगा देंगे और उसका मान क्या लिखेंगे, एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जाल अनंत है और ए व बी के मध्य हमने तुल्य प्रतिरोध एक्स मान रखा है, बिंदु पी व क्यू के मध्य भी, यहाँ पी और क्यू ले सकते हो, ये पी बिंदु है या क्यू बिंदु है, मध्य में तुल्य प्रतिरोध एक्स के समान ही होगा,
अतः दिए गए जाल को निम्न अनुसार व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे इस प्रकार से देखो ये आर और आर जो है, यहाँ मैंने रेड लाइन बनाई थी, ठीक है, लाइन बनाई थी ना यहाँ पे, इसके आगे वाले जितने भी अनंत तक प्रतिरोध हुए उनको अपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब देखो ए से चलें यहाँ पर चलें, अब यहाँ पर देखो दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, यहाँ से जो धारा जाएगी वो इसमें से होकर यहाँ पहुँचेगी और जो यहाँ से चलेगी वो इसमें से होकर यहाँ पहुँचेगी। तो ये स्मॉल आर और ये एक्स कौन से क्रम में हुए, समांतर क्रम में। ये स्मॉल आर और ये एक्स कौन से क्रम में हुए, समांतर क्रम में। तो इन दोनों का समांतर क्रम ले लेंगे और ये दोनों समांतर क्रम ले लिया, ये इतना जो है ये समांतर क्रम का सूत्र है, आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू, ये समांतर क्रम का सूत्र होता है। तो एक तो R है और एक X, R गुना X बटे में R प्लस X, ये इन दोनों का तुल्य निकल गया, ठीक है। अब इन दोनों का जो भी तुल्य होगा वो और ये वाला स्मॉल R, ये कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों का आप कौन सा क्रम ले लेंगे, श्रेणी क्रम। तो स्मॉल R इसके साथ और लघुतम लेंगे, इसको हमने सीधा हल कर दिया, ठीक है। तो बाकी इसको आप इसके गुणनखंड निकालना x के और इसको हल करना, करके देखना आंसर क्या आता है। बाकी आगे वाला अपन कल पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।